स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। सो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिए एंड क्लास के अंत में बताना क्या आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विजयनगर साम्राज्य की। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। तो बी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब आप लोग बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से आंसर करिएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग दोस्तों। सभी बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, स्थापना किसने की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने स्थापना कब की थी, ये आपको बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए। यस, 1336 में। कब स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की थे, 1336 में। तो आप लोग याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। बहुत अच्छे, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सभी का आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, आगरा उत्तर प्रदेश में है और यमुना नदी किनारे बसा है। पूछा जाता है किस नदी किनारे बसा है, यमुना नदी किनारे बसा है आगरा, आप लोग याद रखिएगा। और जो आगरा है स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, आगरा चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो अब बी इसका राइट आंसर है, जिसने भी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, इसका आंसर करिएगा। वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये बताना आपको। बहुत अच्छे, 5, 6, 7, 9, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। एपी, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। अनुराधा, बहुत अच्छे, आपका भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, 6 होती है, 6 होती है। सीमा, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। 7 या 9 करेक्ट आंसर नहीं होगा, आपके आंसर गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर क्या होगा। मुस्कान, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, इसका करेक्ट आंसर बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के, विक्रमादित्य के, या फिर बाबर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो बी का राइट आंसर होगा, जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर चरित को किसने लिखा है। अगर पूछा जाए हर चरित को किसने लिखा है, तो आप लोग याद रखिएगा, बाण भट्ट ने हर चरित को लिखा है। यह पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है।
बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है सातवाहन के समय सर्वाधिक मुद्रा के जो सिक्के थे सर्वाधिक किस मुद्रा के बने थे, सॉरी किस धातु के बने थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 है ये। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीसा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सातवाहन के समय में सर्वाधिक मुद्रा सीसा के बने थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सीसा करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दो परीक्षा में क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे, एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। यस, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी सबसे महान शासक थे। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है। क्या पूछा है मैंने क्वेश्चन आपसे? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, यस, सिमुक ने की थी। किसने की थी? सिमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। बहुत अच्छे, अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? आपको पता है सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? यह भी पूछ सकते हैं कठिन करके क्वेश्चन। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रतिष्ठान। क्या दोस्तों? प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन, सातवाहन वंश के समय सर्वाधिक मुद्रा सीसा के बने थे, आप लोग याद रखिएगा। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने, ये आपको बताना है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा के भुवनेश्वर में। पूछा जाएगा क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा के भुवनेश्वर में है। बहुत अच्छे, गुड। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ययाति केसरी ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ययाति केसरी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर की मुद्रा बताइए क्या है? सभी जल्दी से बताइएगा, सिंगापुर की करेंसी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? सिंगापुर की करेंसी बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंगापुर डॉलर। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। टका बांग्लादेश की करेंसी है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। क्या टका बांग्लादेश की करेंसी है? जापानी येन जापान की करेंसी है। रुपया भारत नेपाल पाकिस्तान समेत
देशों की जो मुद्रा है रुपया है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ से। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसका मत था? औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसका मत था? औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्ल मार्क्स का। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स का मत था, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कार्ल मार्क्स करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, दीव कहां पर है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, गुड, आपसे पूछा गया है दीव कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, खंबात की खाड़ी में है। कहां पर है? खंबात की खाड़ी में, बी करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, दीव खंबात की खाड़ी में स्थित है, तो अब बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, खंबात की खाड़ी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? इसका राइट आंसर बताइए, सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, दीव खंबात की खाड़ी में है। कहां पर है? खंबात की खाड़ी में, बी करेक्ट ही आंसर होगा, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, सी नहीं होगा इसका आंसर, बी होगा इसका आंसर। करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, आपको बताना है भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र आपको बताना है कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वीड़ा। क्या करेक्ट आंसर होगा? वी करेक्ट आंसर होगा इसका, भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र बीड़ा, बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बीड़ा करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? सभी जल्दी से बताइएगा, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 1857 में। क्या करेक्ट आंसर होगा?
सी करेक्ट आंसर होगा मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी। तो सी का राइट आंसर है। प्रश्न अभी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी भी उनका सही उत्तर है। मंगल पांडे 1857 की क्रांति से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। कल्याणी स्टेडियम किस राज्य में है? सभी जल्दी से बताइए कल्याणी स्टेडियम किस राज्य में है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल में। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका, कल्याण स्टेडियम वेस्ट बंगाल में है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 360, 180, 210 या फिर 90। तो सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 360। यह तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देशांतरों की कुल संख्या 360 है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 360। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आज सिर्फ जीके क्वेश्चन होंगे, आज सिर्फ 61 जीके क्वेश्चन होंगे, आज इवनिंग के क्वेश्चन नहीं होंगे। सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर किस भारतीय राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, आज नहीं होगी रीनिंग की क्लास। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सीपीओ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपकी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन है? ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर भारत के किस राज्य में है? ओडिशा, असम, सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असम में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, तलातल घर स्मारक कहाँ पर है? असम में है। तो बीस का राइट आंसर होगा, असम की राजधानी दिसपुर है, असम भारत का राज्य है। अब आप लोग जल्दी से बताइए असम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए असम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर तो बी होगा, असम। और अभी आपको बताना है असम की ऑफिशियल लैंग्वेज। सनी वेरी गुड, रिंकू, आर एस, रिंग बहुत अच्छे, फायर गर्ल, ब्रांड बहुत अच्छे, सीमा, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। अभिषेक, मुस्कान, अनुराधा, ध्रुव, वेरी गुड, आप सभी करेक्ट आंसर हैं, बहुत अच्छे। प्रियंका, अंशी, विक्रांत, वेरी गुड, शिवांशु, टिल्लू बहुत अच्छे, मनीषा वेरी गुड, आरसी गुड, आपका भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रिंस वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है, असम करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैफ वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। मौर्य गुड, आपका भी राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। अभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निद्रा रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिएगा। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इससे बाहर आपकी परीक्षा में जीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके लिए आप लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाते हैं, उसे भी ध्यान से सुनिए। अभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निद्रा रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटोजोआ। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, प्रोटोजोआ से होता है निद्रा रोग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा, जीके क्वेश्चन सभी में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपकी परीक्षा में जीके क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बताइए।
क्या पूछा गया? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। बहुत अच्छे। देखिए ग्रीनलैंड नहीं होगा, ग्रीनलैंड नहीं होगा। अगर पूछा जाता विश्व का, किसका पूछा जाता? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या पूछा जाता विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तब तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीनलैंड। यहाँ पर आपसे पूछा गया एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो क्या करेक्ट आंसर होगा? बोर्नियो करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, सी करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है वांगला त्योहार मुख्यतः किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बांग्ला त्योहार है मुख्यतः किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गारो जनजाति द्वारा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बांग्ला त्योहार गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है गारो जनजाति, करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन लोकसभा में वामदल दल का नेता होता है। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन लोकसभा में वामदल दल का नेता होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राइम मिनिस्टर। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी 1905 में बनारस अधिवेशन की। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो निजता का अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्टिकल 21। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार, तो सी इसका राइट आंसर होगा। एक फंडामेंटल राइट है, कैसा अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है। ये भी पूछ सकते हैं निजता का अधिकार कैसा अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आंसर करिए जेएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जेएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है कमांड कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेस्ट करने के लिए। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, कमांड कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए, तो बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है, सी करेक्ट आंसर होगा, तमिल भाषा में लिखा गया है। अगर पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु संबंधित है संगम साहित्य। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रह सकती हैं क्यों, ये आपको बताना है। तो अच्छे से चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तल के पास का जो पानी होता है ये जमता नहीं है, इसीलिए जमी हुई झील के अंदर भी मछलियां जीवित रह सकती हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बद्रीनाथ कहाँ बसते थे, इसका राइट आंसर क्या होगा?
तभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तो राज्य उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? कुमाऊं हिमालय में स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सभी इसका आंसर करिए, बताइए दोस्तों चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुंदर लाल बावगड़ा ने। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदर लाल बावगड़ा ने किया था, बी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, आपको बताना है क्योटो कहाँ का शहर है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योटो कहाँ का शहर है? अमेरिका, चाइना, भारत या फिर जापान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जापान का एक नगर है क्योटो, तो डी इसका राइट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, सी इसका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, आपको बताना है निम्न में से कौन से शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है। सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है इनमें से कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये तीनों शब्द। या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें तीनों शब्दों का वर्णन किया गया है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, आपको बताना है तानेश्वर में पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पभूति वंश या फिर वर्धन वंश, एक ही बात है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुष्पभूति वर्धन ने। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा, पुष्पभूति वर्धन। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, आपको बताना है ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केल्विन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, आपको बताना है रूबी का रंग लाल किसकी वजह से होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, रूबी का रंग लाल किसकी वजह से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, रंगलाल क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, आपको बताना है एकमात्र धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उस धातु का नाम आपको बताना है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी, सोना, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मरकरी, पारा। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मरकरी एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, मरकरी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, आपको बताना है मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हॉकी से। या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भारत के हैं और हॉकी संबंधित हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, आपको बताना है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। अगर पूछा जाए भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, स्थापना कब हुई थी, 1950 में। या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, आपको बताना है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई में। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मुंबई में बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। राज पूछा जाए कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई में है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, आपको बताना है महात्मा गांधी द्वारा संपादित इसमें समाचार पत्र कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवजीवन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नवजीवन का जो संपादन है महात्मा गांधी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नवजीवन करेक्ट आंसर होगा इसका।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, काकीनाडा पोर्ट कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा, काकीनाडा पोर्ट कहां पर है? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, काकीनाडा पोर्ट आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। 42 के लिए आंसर करिएगा, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर बताइए, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वासुदेव ने। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वासुदेव करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, आपको बताना है एक्सरे की खोज किसने की थी? सभी इसका आंसर करिएगा, एक्सरे की खोज किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, एक्सरे की खोज किसने की थी ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रोहिंटीजन ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, एक्सरे की खोज रोहिंटीजन ने की थी, सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, सभी इसका आंसर करिए, बताइए तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कावेरी नदी किनारे। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, आप लोग याद रखिएगा, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी किनारे स्थित है और ये तमिलनाडु का नगर है, तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, बताइए ओजोन किसका अपर रूप है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ओजोन किसका अपर रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सीजन का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कार्बन डाई का नहीं, बी करेक्ट आंसर है इसका, ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप होता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, आपको बताना है हर्षवर्धन किससे हार गए थे? इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, हर्षवर्धन किससे हार गए थे ये पूछा आपसे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलकेशिन द्वितीय से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पेट्रोलियम को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, क्या पूछा जाए व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिए प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी उस समय मुगल शासक कौन था? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उस समय मुगल शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उस समय मुगल शासक अकबर था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे,
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 अक्टूबर को। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है लोकसभा को भंग करने का सबसे पहला अधिकार किसके पास होता है, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लोकसभा को भंग करने का पहला अधिकार किसके पास होता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या फिर सीजेआई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेसिडेंट। क्या करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा को भंग करने का सबसे पहला अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, बी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला, ये केमिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, KCl। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है KCl, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है कौन सा फोक डांस मुख्यतः जम्मू कश्मीर से संबंधित है, सभी इसका आंसर करिएगा, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा फोक डांस मुख्यतः जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राउफ। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, राउफ, ये जम्मू कश्मीर का फोक डांस है, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है गाय के गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो गाय के गोबर पर कवक उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोप्रो प्लस। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, गाय के गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रो प्लस कहा जाता है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। फेफड़े का आकार होता है, फेफड़े का आकार कैसा होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शंकु आकार होता है फेफड़ा। किस प्रकार का होता है, शंकु आकार होता है फेफड़ा, तो सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है लाख बक्स का खिताब किसे दिया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो लाख बक्स का खिताब है किसे दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन को। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लाख बक्स का खिताब लाख बक्स की उपाधि से कुतुबुद्दीन ऐबक को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। रंगनाथ मंदिर कहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीरंगम में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु के श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आर भट्ट को अंतरिक्ष कब भेजा गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा।
भी जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, गुड। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष का भेजा गया था। भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, पूछा जाएगा परीक्षा में, भारत का पहला उपग्रह कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, आर्यभट्ट अंतरिक्ष का भेजा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 19 अप्रैल 1975 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, आपको बताना है लोक नायक किसे कहा जाता था। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, लोक नायक किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा इसका सरदार वल्लभ, सॉरी, जयप्रकाश नारायण को। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता था। तो बी इसका राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता था। सी आर दास, इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता था। परीक्षा में पूछा जाएगा देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता था, तो आप लोग याद रखिएगा सी आर दास को। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, दादा भाई नौरोजी। अगर पूछा जाए परीक्षा में, क्या पूछा जाए परीक्षा में, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता था, तो आप लोग याद रखिए दादा भाई नौरोजी को। ये चारों ऑप्शन से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, आपको बताना है प्रतिरोध का मात्रक। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है अंतरराज परिषद की स्थापना कौन कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? अंतरराज परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।